इसका पूछा था कि सहस्त्र धार में और ये निर्विकल्प समाधि और आत्म साक्षात्कार में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या सहस्त्रार चक्र, चक्र में जैसे आपने कहा ना जागृत हो जाता है, तो वही निर्विकल्प समाधि मानते हैं उसको या उससे? नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें फर्क है। पहला शब्द मैं पकड़ रहा हूँ आपका, यानी उत्तर दे रहा हूँ, निर्विकल्प समाधि। एक तो आपके प्रश्न बहुत हो गए। निर्विकल्प समाधि लगती है ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद। ब्रह्मरंध्र समझ रहे होंगे, नहीं तो मेरी किताब पढ़ लेना, उसमें मैंने विस्तार से दिया, वीडियो में भी दिया। ब्रह्मरंध्र जब खुलता है उसके बाद निर्विकल्प समाधि लगती है कुछ क्षणों के लिए। यह नहीं है कि वो बैठा ही रहेगा, कुछ क्षणों के लिए लगती, वो क्षण धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ते रहते हैं, निर्विकल्प समाधि होती है, ये अवस्था कहते हैं निर्विकल्प समाधि की। आपने सहस्त्रार सहस्त्रार चक्र तो छोड़ ही दो, इस धरती पर गिने चुने लोग हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, वही मैं आज या कल मैं बताऊंगा, मेरी किताब देख लो या वीडियो में कहीं कहीं थोड़ा बहुत इक्का दुक्का मैंने बताया हुआ कि रितंभरा प्रज्ञा का प्राकट होता है, ज्ञान होता है और बहुत ही पावरफुल होता है, वो योगी को कोई रोक नहीं सकता है योगी ने मार्गदर्शन करने से। यानी अगर किसी कर रहा साधक बन जाएगा। आप मेरे से लीजिए, उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो एक साधक को मैंने भेजा, जा मम्मी पापा को, उसको अगर माँ उसकी तैयार हो गई फिर उसे साधक बनने से नहीं रोक पाएगा, मैं उसके कर्मों का वाहन करूँगा, जबकि मैं रिश्ते से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं भी ढंग से नहीं जानता। हाँ उनका कोई रिश्ते में है, मेरे से साधना सीख रहा है, तो कहने की वो बात ही अलग है। ज्ञान का आयतन है तो वो तो धरती पर कुछ ही लोग हैं, कहने कुछ भी कहें मैं उनका तर्क वितर्क उनसे क्या करूं, बहुत कुछ लोग क्या कहते रहते हैं। और आपने मोक्ष कहा, मोक्ष से मोक्ष प्राप्त होने के लिए सहस्त्रार चक्र खुला होना जरूरी है, और जब ज्ञान को भी सात स्टेजों में कर देते हैं, जीवन मुक्त अवस्था उसी को कहते हैं जब सहस्त्रार चक्र खुला होता है। जीवन मुक्त अवस्था के बाद फिर एक निश्चित समय तक जब ज्ञान की सातवीं स्टेज पार करता है, तो यानी कहने का जो ये चित्त है, जीव का चित्त यानी हमारा चित्त है, तो जब ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी होता है फिर कई वर्षों तक अभ्यास करता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि वो परोपकार करना भी बंद कर देता है, फिर वो शांत हो जाता है। मोक्ष तो बहुत बात, एकदम सीधे मोक्ष नहीं मिलता, वो पराप्रकट में जाएगा। हालांकि यहाँ पर विद्वानों का मतभेद है एक भाव और द्वैत भाव में, लेकिन जो मैंने जाना, एक समय ऐसा आता है हम अज्ञानता बस अल्प बुद्धि के कारण, कोई कहता है भक्ति अच्छी है, कोई कहता है योग अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, ये अज्ञानता है कि हम अच्छा और बुरे की दृष्टि से देखते हैं। एक समय ऐसा आता है कि पराप्रकट में दोनों को एक जगह पहुँचना ही होता है, चाहे ऐक्य भाव यानी चाहे योगी हो, ब्रह्म में लीन होना है निर्गुण ब्रह्म में, चाहे सगुण ब्रह्म में अर्थात नारायण के चित्त में, यानी वो प्रवेश कर जाता, बात दोनों की एक ही है, वो सगुण ब्रह्म है या निर्गुण, चीज एक ही है, लेकिन शब्दों का हेर फेर है और अभ्यासी का भावना का फर्क है। नारायण के शरीर में, नारायण ये नहीं विष्णु नहीं, नारायण जो पराप्रकृत में है, उसके वर्णन नहीं किया जा सकता पराप्रकृत का, उसके चित्त में यानी उसके अंदर प्रवेश कर गया, सूक्ष्म होकर के व्यापक प्रवेश कर गया, तो उसका अस्तित्व मिट गया, चित्त में चला गया। जब नारायण अपना स्वरूप को ब्रह्म में विलीन करेंगे, अनंत, हमें उस विषय में नहीं बोलना चाहिए, काल से परे है, समय से परे है, तो एक ही बात है, चित्त में हुआ तो कभी नहीं, वो मोक्ष मिल गया। जो एक भाव से रहता है वो द्वैत भाव को मानता नहीं है, तो वो अपना स्वरूप यानी अपने में स्थित होकर के धीरे धीरे धीरे, जिसमें आत्मस्थिति या स्थित प्रज्ञ, गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया योगी को, और फिर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो यही आत्म साक्षात्कार भी है। हाँ आप आ जाए आत्म साक्षात्कार, मैं थोड़ा क्षत और कड़वा शब्द लगेगा, मैंने भी किताब में लिखा आत्म साक्षात्कार। ध्यान रखना, ज्यादातर क्या सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जिंदगी में कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। अब आप लोगों के सभी के अंदर प्रश्न उठा होगा, किताबें लिखी हुई हैं, शास्त्रों में भरा पड़ा है, और मैंने भी लिखा है आत्म साक्षात्कार, मैं भी लिख रहा हूं। अब शब्दों पर आ जाएं, क्योंकि आपने प्रश्न कर दिया, वीडियो में कोई देखेगा, आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा को देखना, यही तो अर्थ निकला। आत्मा क्या है? ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का छोटा स्वरूप, और निर्गुण ब्रह्म को कौन देख सकता है, क्या आप बता सकते हैं?
जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वत्र व्याप्त है, उसे कौन देखता है, देखेगा? वही आखिरी है, कैवल्य, वो अकैवल्य नहीं, कैवल्य नहीं, अकेला है, कैवल्य मोक्ष, यानी कहने का जो स्वयं में अकेला है, जो आखिरी है, उसे अगर ये कहे कि उसे भी देखा जा सकता है, तो इसका मतलब दूसरा भी कोई है, अर्थात देखने वाला कोई है, तो आत्मा को कौन देखेगा? आत्मा, हाँ, द्वैत अद्वैत, देखो उसमें होता है ये द्वैत में कि एक दूसरे को देखते, दो हैं, भक्त, मान उदाहरण के लिए भक्त अपने प्रभु को देख रहा, अपने इष्ट को देख रहा, मान लो नारायण है, अंत में नारायण ही आ जाते हैं, तो भक्त है, भगवान है, यानी उसका प्रभु है। इसमें गीता को गौर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ बनिए, यानी अपने स्वरूप में स्थित होइए, यानी अपने आप में स्थित हो जाइए। जब आप अपने आप में स्थित होगे तो कौन किसे देखेगा, अर्थात अपने आप को कोई नहीं देखता, अपने आप में स्थित होते हैं, ठीक, इसी को कह देते हैं शब्दों में आत्म साक्षात्कार, लेकिन उचित शब्द नहीं, लेकिन आम भाषा में ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन सही शब्द है स्थित प्रज्ञ या आत्म स्थिति, ठीक। आपने प्रश्न किया तो सत्य समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आत्म साक्षात्कार, बहुत से मार्गदर्शक कह देते हैं, हम भी कह देते हैं कि आत्म साक्षात्कार ये वो वगैरह वगैरह, किताब में भी लिख देते हैं लेख की भाषा में, लेकिन मगर आत्म स्थित हुआ जाता है, साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा को देखने वाला कोई नहीं, वो आखिरी है, ठीक है। गुरुदेव, एक और बात थी कि कल से मैं मतलब देख रहा हूँ, जैसे भी बैठा हूँ मैं, तो जब भी आपकी तरफ देखता हूँ तो आपके पीछे ना एक वाइट रंग का हेलो रोशनी मतलब नज़र आती है, ये पूरा आपका जो सर्कल है, तो मतलब कल से भी मैंने पहले सोचा कि शायद लाइट लगी हुई है पीछे। किधर लाइट लगी, देखना भाई? नहीं, कल मुझे लगा, अच्छा, मैं समझ ना पाया कहीं लाइट, वीडियोग्राफी कर रहे थे तो मैं इधर इधर घूम के भी देख रहा था, तो बाद में मैंने देखा था ऐसा कुछ नहीं है, फिर मुझे लगा कि शायद रात है इस वजह से कुछ लग रहा है, लेकिन आज सुबह से भी मेरे को वो मतलब ऐसे ही नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप हिलते हो तो वो साथ साथ मतलब बिल्कुल आपके ऐसे ऐसे मैं हिलता हूँ वो भी, जैसे आप बोलते हो मतलब, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा तो वो हिलती है, मतलब आपके साथ ही रहती है, आपके जैसे लाइट निकल रही है। चलो जैसे कोई जैसे बात नहीं, अब अगर आपको दिखता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपको क्या दिखता आप जानो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे कुछ नहीं दिखता, देखो मुझे पीछे दीवार दिखती है। ये दिस इज मतलब ये पहली बार है कि ऐसे किसी के मतलब नजर आया, और वो भी कंटिन्यूअस आ रहा है। अरे बहुत से साधक ऐसा कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, अब आप जानो सर इसका मतलब, मैं आपको इसको इस मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, तो इस वजह से मैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।